भाई आपसे जो है आप स्पष्ट और जो बोल सकते हैं ओपन माइंडेड खुले विचारों वाले बने। देखिए लास्ट अपडेट में मिस्टर ऐश मुबारक सर ने बहुत सारी जो अपडेट्स देते हैं उन्होंने ये वर्ड भी यूज किया था। और देखिए अब हम पहले जैसी वो कंपनी नहीं रहे, मतलब ऑन पैसिव पहले जैसी नहीं रही। अभी समय के साथ जब उस टाइम जब आप आए थे, जब ऑन पैसिव में आप इंटर किए थे, तब में अब में बहुत अंतर है। और ये समय के साथ साथ बहुत चेंज होती जाती है चीजें, कई सारे जो नियम होते हैं शर्तें होती है, बहुत सारी जो नौकरशाही, बहुत सारी चीजें जो चेंज होती रहती है, नियमों के साथ साथ बदलाव होते रहते हैं। तो ऑन पैसिव अब पहले जैसे नहीं रहा और भी ज्यादा ये जो है अब जबरदस्त हो गया है। तो अभी आपको यहां पर जरूरत यह है कि भाई अपने आप को ओपन माइंडेड रखें और स्पष्ट रखें। क्यों? क्योंकि भाई देखिए अभी आने वाले वक्त में ऑन पैसिव में काफी चीजें अपग्रेड हो रही है, काफी सारी चीजें आ रही है। अगर अभी हम पुराने सोच में चलेंगे, पुराने डर्रे में चलेंगे कि यार मैं तो उस दिन से आया हूं ऑन पैसिव में, काफी टाइम मुझे हो चुका है, आप खुद ही देख रहे होंगे कि काफी सारा चेंज जो है ऑन पैसिव में अभी आया है पिछले 3 से 4 सालों में। अब आप देखेंगे कि हमारी जिस टाइप से टीम काम कर रही है और जिस हिसाब से काम हो रहा है तो उसको देखते हुए आप देखेंगे इसमें ऐसा नहीं कि 5 साल लग जाएंगे, उसमें बहुत समय लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें इसी साल में क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो मिस्टर ऐश ने जो इस बात पर जो ज्यादा ध्यान दिया है, इस बात को जो उन्होंने कहा है कि भैया अभी आपको जो है बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप स्पष्ट मतलब और खुले विचार धाराएं रखें, मतलब ओपन माइंडेड रहें आप लोग, राइट। तो अभी पुराने ढर्रे वाली सोच को छोड़ दीजिए कि अभी आप एक चीज का और उन्होंने जिक्र किया था जैसे कि अभी हमारे कई लोग हैं, चाहे वो 4 साल पहले आए हों या अभी अभी आए हों, लास्ट ईयर आए हों, जो भी बंदे आए हैं वो सबके लिए ऑन पैसिव जो है एक जैसा ही सिमिलर होने वाला है। तो यहां पे कोई जो सोचता है कि टीम टाम और ये वो है वो सब छोड़ दीजिए, ये मिस्टर ऐश की सोच का कमाल है कि ये सभी को वो एक जो बोल सकते हैं विचारधारा में लेकर के चल रहे हैं। और जिस हिसाब से रूल्स आते हैं और इतनी सारी गवर्नमेंट के साथ में बात करना, उसके हिसाब से उसको काम कैसे करना है, यहां पर जो हमारी टीम में काम कर रही है ऑन पैसिव की जो बैक ऑफिस की टीम काम कर रही है, तो उन्हें अपने नियमों के हिसाब से जो है जो नियम बने हैं जिस हिसाब से गाइडलाइंस आती है उस हिसाब से उसको फॉलो करना पड़ता है। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ऑन पैसिव वो पहले जैसी कंपनी रही, आप खुद कई लोग जानते होंगे जो 4 साल पहले 3 साल पहले 2 साल पहले ऑन पैसिव में थे, मैं खुद 2-2.5 साल से ऑन पैसिव में हूं, तब में और अब में बहुत अंतर आया है। और सबसे बड़ा अंतर यह आया है कि जो हिसाब से नियम आ रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, अभी जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसके हिसाब से ऑन पैसिव अपने आप को ढालता जा रहा है। और जैसे आप देखेंगे पिछले 1 साल से ही ओ कनेक्ट का काम चल रहा है, लेकिन हमने पिछले 1 साल में जो है वो कर दिखाया है, ओ कनेक्ट इतनी फास्ट तरीके से ओ कनेक्ट को तैयार कर लिया है कि जबकि बड़ी बड़ी जो जैसे चैट जीपीटी उस पर भी करीब 8 साल से और उस कई सारी जो कंपनी उस पर 8 साल से 7 साल से काम चल रहा था, उसके बाद में ये चीजें आई हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव में ओ कनेक्ट जो है इसमें बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें तो यूज होंगी ही होंगी, लेकिन इसके अलावा जो भी और चीजें आ रही हैं समय के साथ साथ जो बदलाव आएगा उसमें ऑन पैसिव डे बाय डे जो है ग्रोथ करते जाएगा। तो अभी हमारा जो लेवल है ऑन पैसिव का वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। आप मेरे भी कुछ वीडियो पुराने उठाओ तब में अब में बहुत अंतर आ गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त कुछ चीजें थी जो शायद मैच नहीं करती थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम के जो ऑन पैसिव के थे कुछ अलग ही सिस्टम में था, लेकिन अभी जिस सिस्टम से ऑन पैसिव काम कर रहा है वो और भी ज्यादा जबरदस्त है। और नियमों के हिसाब से जो रूल्स है एंड गाइडलाइंस है पूरे वर्ल्ड की आप देखे होंगे उसके हिसाब से भी वो काम कर रहा है। इसी वजह से यही कारण है कि ऑन पैसिव एक आईटी कंपनी है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी है। और असल में ये यूएस गवर्नमेंट भी इसे देख रही है, पूरे वर्ल्ड की सऊदी अरब की गवर्नमेंट और भी जो देशों की जो गवर्नमेंट्स है वो वॉच करती है ऑन पैसिव को, कहीं ना कहीं वो देख रही होती है। तो ये यहां पर जितने भी नियम आ रहे हैं जहां भी आप समय समय पर इसमें बदलाव भी होते रहेंगे तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ कंपनी अपने आप को अपग्रेड करती जाएगी। और उसके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भी अपने आप को अपग्रेड करें और अपनी जो है अपनी सोच जो है, इसमें ऐश ने इसी चीज को बताया है कि देखिए आपको जो है ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। और मैंने भी कई बार आपको चीज बताई है कि आप ये मत सोचिए कि ये कब हो रहा है, एप्पल कब जनरेट होगी, ये कब आएगा, ये आपकी ओपन सोच नहीं है। ओपन सोच का मतलब ये होता है कि समय के साथ साथ आप देखिए किस टाइप से बदलाव हो रहे हैं, कितनी जो टेक्नोलॉजी आती जा रही है, ऑन पैसिव ऑलरेडी टेक्नोलॉजी इस पर काम कर रहा है, तो ये सब एप्पल वेपल है तो यूं ही आपके जनरेट होंगे, लेकिन आपको जो है अपग्रेड अपने आप से जो करना पड़ेगा खुद को, थोड़ी सी ओपन माइंडेड रहिए। और दूसरी भी जो एक्टिविटियां होती हैं मार्केट में क्या हो रहा है,
क्या नियम शर्तें चल रही है। हालांकि ये कंपनी का काम है, लेकिन आप भी एज ए फाउंडर अगर आपने आपको मानते हैं तो आपको भी समय के साथ साथ अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि प्राउडली आप बोल सके फ्यूचर में कि यस मैं ऑन पैसिव कंपनी में हूं। तो आपके पास भी कुछ ऐसा परफेक्ट आंसर होना चाहिए, और हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने अपने आपको हाईलाइटेड करना है यहां पर, बल्कि अपने आप को अगर आप ओपन रखेंगे, अपने माइंड को भी ओपन रखेंगे, तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। वेबिनार मीटिंग्स आप अटेंड करेंगे, आपका माइंड सही सेट होगा, जो हमारी इंटरनेशनल वेब कॉन्फ्रेंस स्पेशली जो होती है, जो पॉइंट्स वहां पे नोट डाउन होते हैं किस क्या इसमें नियम है, आपको क्या चीज बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो ये सारी चीजें हमको वहीं से क्लियर होती है। तो इसीलिए जो है अपने माइंड को भैया ओपन रखिए, पूरी तरह से ओपन माइंडेड रहिए, खुली विचारधाराएं रखिए, और जो भी अपडेट्स आती है और सारी चीजें आती है उसको ध्यान से देखिए। और मिस्टर ऐश को मैं हर बार बोलता हूँ ध्यान से सुना करिए, बहुत 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 जीनियस पर्सन है वो, और उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही डिफरेंट है, मतलब वो उनकी सोच बहुत डिफरेंट है, और उन सोच के साथ में उन्होंने एक शायद वेबिनार में आपने जिक्र किया था, उन्होंने आपने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने बोला आप जैसे लोगों के बीच में रहोगे आपकी सोच वैसी बनेगी, राइट। और हम ऐसी लोगों के सोच के साथ में रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, या फिर हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ रहे हैं जो कि सुपर माइंडेड हैं। हमारी पूरी मार्केटिंग टीम हो ऑन पैसिव की, आप जो देखे होंगे हमारे मोहम्मद कमाल साहब हैं, और जो भी हमारी मार्केटिंग टीम है कितने जीनियस माइंडेड लोग हैं वो, राइट। तो हम उन लोगों के साथ में जब अपना वेब कॉन्फ्रेंस मिस्टर ऐश के साथ हम जुड़ते हैं तो हमारा सोच ऑटोमेटिकली वहां पर जाने के बाद में जो है चेंज हो जाता है, और हमारा चेंज हो जाता है, चेंज बोल सकते हैं, हमारी भी सोच उस तरह की बन जाएगी, मतलब एक आम आदमी की सोच ऑटोमेटिकली जब और अच्छे लोगों के साथ आप उठना बैठना करोगे तो चेंज होगी। इसी वजह से आपका माइंड भी जो है ओपन रहेगा, और आप सही चीजें आपके माइंड में फ्रेश माइंड रहेगा। इसलिए दोस्तों बिल्कुल समय के साथ चलिए और अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन रखिए।